तेरा कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं? अरे जो जो करना था, जब जब करना था, कर तो चुका हूं। कुछ दिन करते करते सालों गुजर गए। गेम मेरे हाथ में। नाश्ता बनाओ। नाश्ता बनाने का बोला मैं तेरे को? चल जा, सुबह सुबह दिमाग खराब मत कर मेरा। कुछ काम वाम मिला कि नहीं? वो भी शुरू हो गई ना सुबह सुबह भेजा खाने को। सुनने का शौक है क्या? तू तो कुछ बोलना ही मत बुड्ढे, वरना सन्न करके दूंगा तेरे को मैं। ए कह रहा हो, सुबह सुबह बंठन के किधर भाई? शाम को एक पार्टी है एनआर का। तू पार्टी शाम को है और तो हीरो बन के अभी से घूम रहा? अरे एक मस्त काम मिला है, चलता है क्या तू? माल कितना मिलेगा? एकदम सॉलिड। काय मानते? 5 मिनट रुक, मैं शर्ट भी पहन के आता हूँ। सुन, एक जोड़ी कपड़ा साथ में ले ले। क्यों? ले ले, बताता हूँ। बाय हिमानी बेटा। कहीं पाई जे? आते वक्त कुछ लेके आऊं? ना ना बेटा, बस तू वक्त पे आ जाना, हाँ? देर मत करना। जी। यही थी ना मैगजीन जो आपने कही थी? हाँ हाँ, यही नहीं पढ़ी थी। विलास बाबू, नई दवाइयाँ कब कब देनी है? हिमाई ताई ना तुम्हाला? हो हिमानी ताई, सब लिख कर रखा है मैंने। ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय अजूबा। ठीक है बेटे। क्या काम करना है कुछ तो बता। चल चक्कर मार के आते हैं। अरे कहाँ करना है, क्या काम करना है पता तो चले कुछ? हाँ, आगे तक चक्कर मार के आते हैं। क्या सविता, आज फिर से लेट करा दिया ना तूने मुझे। अच्छा सुन, अजूबा का दोपहर का खाना अभी से बना के मत रख, दोपहर को आके फ्रेश फ्रेश बना, समझी? नहीं होगा ताई, दोपहर को वापस नहीं आ सकती है ना, विला से ना गरम करके खिला देगा। ठीक है। अरे वाह रीमा ताई, बहुत अच्छी लग रही हैं आज, कुछ स्पेशल है? हाँ हिमानी, आज घर पर पूजा है ना। कौन सी पूजा? ऐसे ही शांति पाठ रखा है।
अति हो रही है, तू बताएगा नहीं मैं करूंगा नहीं। और ये एक जोड़ी कपड़ा लेने क्या को बोला तूने? अरे रुकना, थोड़ा सिग्नल तो मिलने दे। कैसा है वेणू? हाल गिरीश, नमस्कार काका। अरे गोपाल, नमस्कार नमस्कार। शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ब्राह्मणाय नमः स्वाहा। लखानी सेरेमिक्स का बैंक अकाउंट ऑडिट किया है, काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज हैं, कई सारी एंट्रीज बैंक अकाउंट में टैली नहीं हो रही है, आप एक बार चेक कर लीजिए। एक्सक्यूज मी, मेरी मम्मी का फ़ोन है, क्या मैं ले सकती हूँ? श्योर। कौन सी एंट्रीज मैच नहीं कर रही? हेलो आई, गाइस हेलो। बाबा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और विलास का भी फोन स्विच ऑफ है, पता नहीं क्या हुआ। तो आई बैटरी डाउन हो गई होगी। अरे एक घंटे से ट्राई कर रही हूँ, लैंडलाइन पे भी फोन किया था, सिर्फ रिंग बज रही है, कोई उठा ही नहीं रहा। तो वॉल्यूम बढ़ाकर टीवी देख रहे होंगे आई। आई मैं थोड़ी देर में आपको फोन करूँ क्या? मैं एक मीटिंग में हूँ, मैं भी आजोबा को ट्राई करती हूँ, ठीक है? सविता किधर है तू? बीविंग में शर्मा जी के यहाँ। सुन ना, मेरे घर पे एक राउंड मार के आ। काय को? कोई फोन नहीं उठा रहा है, लैंडलाइन भी नहीं, जाके एक बार देख के आना। अच्छा ठीक है, मैं 10 मिनट में जाती हूँ, यहाँ का काम भी लगभग खत्म होने आए, फोन करती है मैं। हाँ आई, मैं ऑफिस से निकल चुकी हूँ,
ऑटो में हूँ। मैंने सविता को भी बोला है जाके चेक करने के लिए। हाँ हिमानी, मैं भी निकल रही हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे ऐसे कैसे, दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और लैंडलाइन पे भी कोई फोन नहीं उठा रहा है। आई तो टेंशन मत ले, बस आ जा जल्दी से। हाँ निकलती हूँ। मैंने घर की बेल बजाई लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुल रहा है। अरे ऐसे कैसे कोई दरवाजा नहीं खुल रहा है, तूने बाहर से आवाज लगाई, नॉक किया क्या दरवाजे पे? हाँ ताई, 6-7 बार बेल बजाई मैंने। तूने बराबर से देखा क्या, दरवाजा बाहर से बंद है या अंदर से? अंदर से बंद है। ये पुजारी वॉचमैन को भी पूछा मैंने तो वो बोला कि विलास भी नीचे नहीं आया और साहब भी नीचे नहीं आए। ठीक है, मैं 10 मिनट में पहुँच रही हूँ। भैया जरा जल्दी चलाइए प्लीज। एक कत्ल के प्लान को अंजाम दिया गया था और प्लान के हिसाब से घर को लूटा भी गया था। यह शातिर ऑपरेशन बहुत ही सुनियोजित कैलकुलेटेड तरीके से किया गया था ताकि कातिल का खुलासा कभी ना हो सके, और इस केस का खुलासा वाकई में बहुत कठिन साबित होने वाला था। मेरे आजोबा का अटेंडेंट था, उनकी देखभाल करता था। मेघरा जी आपके पिता है? जी नहीं, वो मेरे ससुर थे। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? उनकी डेथ हो चुकी। 1 साल पहले पापा को हार्ट अटैक आया था, नहीं बचे। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे बाबा के बड़े भाई मयंक कुलकर्णी पनवेल में रहते हैं, वो यहाँ के लिए निकल चुके। आप में से कोई बता सकता है कि लॉकर में क्या क्या था? जी कुछ खास नहीं, बस कुछ पेपर्स और 20,000 कैश। ज्वेलरी वगैरह? जी नहीं, वो आजोबा बैंक के लॉकर में रखते थे। आपके दादाजी का और विलास का मोबाइल फोन हमें नहीं मिला है। पता नहीं, आजोबा अपना मोबाइल फोन अपने पास ही रखते थे। मैं और आई कब से उन्हें फोन करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था, लैंडलाइन भी कोई नहीं उठा रहा था। सर दरवाजे पे तोड़कर आने की कोई भी निशानी नहीं है, नो फोर्स्ड एंट्री।
अच्छा आपके घर की चाबी किस किस के पास रहती है? दो सेट से, एक मेरे पास रहती है और एक सेट घर में। विलास कभी कुछ बाहर लेने गया तो यूज करता था। मेघराज साहब महीनों में एकाध बार कभी आते हैं नीचे। और विलास? विलास भाव कभी कभी नीचे आते हैं आसपास की दुकान से कुछ लेने। आ जाया था? बास तो नहीं देखा साहब। मेघराज जी के घर में कौन कौन आया था? कोई नहीं आया था साहब, रजिस्टर देख लीजिए, सीसीटीवी भी है सर। चेयरमैन या सेक्रेटरी को बुला। जी साहब। मैं पूरा दिन घर पर ही थी सर, शाम को मार्केट गई थी सब्जियों के लिए। 20 मिनट। अर्चना जी, जब आप पूरा दिन घर पर ही थी तब भी आपने कुछ नहीं सुना? कुछ नहीं सुना सर, वैसे भी वो ऊपर नार्वेकर फैमिली की यहाँ पूजा थी तो श्लोक चल रहे थे जोर जोर से। ये नार्वेकर कौन से फ्लैट में रहते हैं? 503 पांचवें माले में। हाँ हिमानी, मैंने लोनावाला क्रॉस कर लिया है, 45 मिनट्स में पहुंच जाऊंगा। मैं और आई पुलिस स्टेशन जा रहे हैं मयंका का, यहाँ घर पे उनकी पूरी टीम है, चेकिंग चल रही है। ठीक है तो मैं सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता हूँ। आई मैं विलास के घर वालों को भी बता दे। हाथ आए, प्रमिला बोलते। प्रमिला, हमारे घर में अटैक हुआ है, आजोबा और विलास। क्या हुआ उन्हें? दोनों को मार डाला, विलास नहीं रहा। प्रमिला, हेलो प्रमिला, प्रमिला। अरे गेम मेरे हाथ में। बोला दादा सही गुड लक चल रहा है मेरा, सॉलिड कमाई होने वाली है, सॉलिड। क्या आएला? ये रूम मेरा, पार्टी मेरा और पैसे ये घसीट रहा है। अरे कब तक गुड लक चलेगा साले का? अब देख, इनकी मौत गला घुटने से हुई है, स्ट्रगल के निशान ना के बराबर। डॉक्टर ये 75 साल के थे, ज्यादा स्ट्रगल नहीं कर पाए होंगे। नहीं, फिर भी थोड़ा सा रेजिस्ट तो होता ही है कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल क्लीन है, जैसे खुद को बचाने की कोशिश ही नहीं की। शायद सोए होंगे, अटैक का पता ही नहीं चला होगा। पहले गला काटा गया, उसके बाद स्टैबिंग की गई, पूरे शरीर पर 9 वार किए गए। ये तो लड़ा होगा। बिल्कुल, ये देखिए, इन्होंने पूरी तरह रेजिस्ट किया था। क्राइम सीन पर हमें कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। जख्म चॉपर या छुरे के लगते हैं। बहू और पोती पुलिस स्टेशन पहुंच गए? हाँ सर। और वो बड़ा बेटा जो पनवेल में रहता है? मयंक कुलकर्णी, वो थोड़ी देर में पहुंचता ही होगा सर। मोहित तीनों से बात करते हैं, समझते हैं क्या है क्या नहीं। जी सर। वैसे सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज 2-3 घंटे में मिल जाएगी। कबड में लॉकर को छोड़कर किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया गया और घर में कोई फोर्स्ड एंट्री का निशान भी नहीं है सर। कोई जान पहचान वाला आने वाला था क्या? आई मयंक काका ने किसी को भेजा होगा क्या? नमस्ते सर। नमस्ते। फिर आ गया वही बात करने। ना करूं बाबा, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। अरे जो जो करना था, जब जब करना था, कर तो चुका हूं, सब दे दिया मैंने। नहीं बाबा, हिसाब से नहीं दिया है। मैं अलग रहता हूं इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझसे ज्यादा हक प्रफुल्ल का हो गया। देख बेटा मैं, अब जो कुछ मेरे पास है मैं उसे अपनी देखभाल के लिए रखूंगा, उसे टच भी नहीं करूंगा। हाँ, एक FD मैच्योर होने वाली है, और शेयर मार्केट में उछाल आएगा तो शेयर बेचकर तुझे कैश दे दूंगा। आपका शेयर मार्केट तो एक अरसे से उछल ही रहा है, कुछ दिन करते करते सालों गुजर गए, मैं कब तक वेट करूंगा बाबा? अरे मेरे जाने तक तो वेट कर सकता है, 75 बरस का हो गया हूं,
और कब तक जीऊंगा? ऑफिसर ने कहा कोई जबरदस्ती घर में नहीं घुसा है, तो फिर और कौन हो सकता है? कोई आने वाला था दोपहर में? नहीं सर, मतलब किसी ने ऐसे फोन वोन करके नहीं कहा था कि मिलने आएंगे। तुम्हारे दादाजी के मेल अटेंडेंट विलास के अलावा उस घर में और कौन काम करता है? सविता है भाई, वो खाना बनाती है, और उसके अलावा एक और आती है घर का काम करने के लिए, निर्मला नाम है उसका। दोनों की टाइमिंग्स? सविता 7:30 के आसपास आती है सुबह और 9 बजे तक अपना काम खत्म कर देती है, उसके बाद निर्मला आती है। मुझे सविता और निर्मला दोनों के नंबर चाहिए। आप यहाँ नहीं रहती? जी नहीं, मैं डेक्कन रोड पे रहती हूँ। पर आपकी बेटी यहीं रहती थी मेघराजी के साथ। सर जैसे कि मैंने कहा, मेरे पापा प्रफुल्ल कुलकर्णी पिछले साल अचानक चल बसे, वही आजूबा का ख्याल रखते थे, इसलिए पापा के जाने के बाद मैं वहाँ रहने लगी आजूबा की देखभाल करने के लिए। पिछले साल तक जब तक तुम्हारे फादर जिंदा थे वो मेघराज जी के साथ ही रहते थे? हाँ, हफ्ते में 5 दिन तो रहते थे और 2 दिन हमारे घर, हमारे डेक्कन रोड वाले घर। तुम्हारे दादाजी बुजुर्ग थे, अकेले थे, तो वो आप लोगों के साथ डेक्कन रोड वाले घर में क्यों नहीं रहते थे? सर उन्हें अपने घर में रहना अच्छा लगता था। आजूबा और आजी पहले सोलापुर में रहते थे, 3 साल पहले आजी की डेथ हो गई तो आजूबा ने सोलापुर का बंगलो बेचकर यहाँ पुणे में घर ले लिया। हम तो पहले से यहाँ थे डेक्कन रोड पे, हमारे घर में। तुम्हारे फादर के बड़े भाई, तुम्हारे काका मयंक कुलकर्णी पनवेल में रहते हैं। जी सर। कहाँ है मेरे पापा, उनके बॉडी कहाँ है? पोस्टमार्टम में। आप मयंक कुलकर्णी? कुछ बताएंगे भी ये सब कैसे हुआ? मुझे मेरे बाबा को देखना है। एक डबल मर्डर केस, कुछ जाहिर संदिग्ध थे, उनके जाहिर मकसद थे, लेकिन संदिग्ध और मकसद को जोड़ने वाली सड़क पर अतीत के कदमों को ट्रैक करना होता है जो आखिरकार जुर्म और मुजरिम दोनों पर रोशनी डालते हैं। किसी भी तहकीकात में कभी कभी मकसद गुमराह करते हैं, फिर वो भले कितने ही ऑब्वियस क्यों ना नजर आ रहे हों। आई, मयंक काका के बारे में बता दूं ऑफिसर को? हाँ बता दे। सर बिल्डिंग की लॉबी में जो सीसीटीवी कैमरा है पूरी सोसाइटी में बस वही है कैमरा है, कल सुबह से देर शाम की फुटेज है सर। ये रीमा नार्वेकर है सर, फ्लैट नंबर 503 में रहती, जिसके यहाँ पूजा थी। और ये सविता आश्रिका, कुलकर्णी इसके घर में खाना बनाने वाली, वॉचमैन ने बताया सर। और ये निर्मला है सर, घर के बाकी के काम करने वाली। सर उस दिन ये सारा ग्रुप पूजा के लिए आया था नार्वेकर फैमिली के फ्लैट नंबर 503 में, मेघराज कुलकर्णी के फ्लैट के एक फ्लोर ऊपर। मेघराज कुलकर्णी के यहाँ भी कोई नहीं आया बिल्डिंग लॉबी से, और सोसाइटी रजिस्टर में भी कोई एंट्री नहीं है। मोहिते हिमानी कुलकर्णी और उसकी माँ को बुलाते और पूछते हैं कि वो इनमें से किसी को पहचानती हैं क्या जो उस दिन मेघराज कुलकर्णी के घर गया। सर
हम इनमें से किसी को नहीं पहचानते। ये वो सारे लोग हैं जो उस दिन आपकी बिल्डिंग में आए थे। लेकिन हम इनमें से किसी को नहीं जानते, सिर्फ रीमा को जानते हैं क्योंकि वो हमारे ऊपर वाले फ्लैट में रहती है और कुछ बिल्डिंग में रहने वाले लोग। और सविता और निर्मला। सविता और निर्मला, ये दोनों शामिल हो सकती हैं क्या? नो सर, वो दोनों ऐसा क्यों करेंगी? तुम्हारे दादाजी का कत्ल हुआ है, उनके अटेंडेंट विलास का कत्ल हुआ है। क्या विलास सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो वहां पर मौजूद था? क्या वो विलास को मारने आए होंगे और तुम्हारे दादाजी भी मारे गए? कोलैटरल किलिंग। क्या बात है हिमानी, कुछ कहना चाहती हो? सर, मेरे मयंक काका मेरे आजोबा की जान खा रहे थे पैसों के लिए। कौन से पैसे? सर, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो सोलापुर का बंगलो बेच के जो पैसे मिले थे वो पैसे। मैं किसी और के पैसे मांगने नहीं जाता था। वो जायदाद पूछते ही नहीं थी। बेचने के बाद उसके 3 बराबर के हिस्से हुए थे। एक हिस्सा मेरे छोटे भाई प्रफुल्ल को गया था, दूसरा हिस्सा मेरे बाबा का, और तीसरा हिस्सा मेरा था जो मेरे बाबा मुझे दे नहीं रहे थे। मैं अपने पैसे मांगने जाता था सर। जो दे नहीं रहे थे? कुछ दिए थे लेकिन काफी सारा बाकी था। जो बाकी थे वो नहीं दे रहे थे? नहीं, बाबा कहते थे कि उसकी एफडी बनी है, एफडी मैच्योर होने के बाद दे देंगे। और कुछ पैसे शेयर में डाले थे तो वो कहते थे कि शेयर के भाव बढ़ेंगे तो बेच बाज कर दे देंगे मुझे अपना हिस्सा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था सर। मोटे तौर पर आपके बाबा आपको पैसे नहीं दे रहे थे। आप कहना क्या चाहते हैं? आप अपने बाबा से पैसे मांगने पूरे झुंड के साथ आते थे। पूरी झुंड? जब आप अपने बाबा से पैसे मांगने आते थे अकेले आते थे? कुछ लोगों के साथ नहीं आते थे? 2-4 दोस्त आते थे मेरे साथ। झुंड कैसे हुआ? लेकिन कभी आपने हिमानी को इन्फॉर्म नहीं किया कि आप अपने 2-4 दोस्तों के साथ उसके दादा से मिलने आ रहे हैं। और आप हमेशा हिमानी के ऑफिस जाने के बाद ही आते थे। तो आप कहना क्या चाहते हैं? सब उस दिन सुबह के बाद दोबारा वापस वहां गई ही नहीं मैं। दरअसल मैं किसी भी दिन सुबह के बाद वापस जाती ही नहीं हूँ साहब। दूसरे घर के भी काम होते हैं ना। उस सोसाइटी में तुम कितने घरों में काम करते हो सकते? 4 घर में साहब। उस दिन भी मैं मेघराज साहब के घर से निकली और 3 घर में काम पूरा किया। फिर शाम को हिमानी ताई का फ़ोन आया कि जाके घर पे देख ले क्या बात है, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो तब मैं शाम को वहाँ गई थी साहब। सर, अपने बाबा से मिलने के लिए मैं अपनी भतीजी की परमिशन क्यों लूँ? आप अपने बाबा से मिल रहे एक ख्याल रखने वाले बेटे की हैसियत से नहीं, बल्कि पैसे मांगने वाले लेनदार की हैसियत से मिलने जाते थे, वो भी 2-4 दोस्तों के साथ। सर, हर एक की अपनी अपनी जिंदगी होती है, मजबूरी होती है। मेरा छोटा भाई प्रफुल्ल, ये हिमानी का बाबा, वो यहीं पुणे में रहता था, इसलिए वो बाबा का हालचाल पूछने, उनकी मदद करने जा पाता था। अब मैं दूर रहता हूँ, इसमें मेरी गलती है क्या? वैसे भी आप पूछना क्या चाहते हैं, साफ साफ पूछिए ना। क्या आपने अपने बाबा का कत्ल किया पैसों के लिए? क्या करवाया? उनके अटेंडेंट विलास का भी? मुझे लग ही रहा था कि आप लोग ऐसा स्टूपिड सा शक मुझ पर कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए सर, अपने बाबा को मार कर या मरवा कर मुझे पैसे कैसे मिलते? आप उनके बेटे हो और इस वक्त इकलौते जीवित बेटे। कुदरती तौर पर मेरे बाबा चंद दिनों के ही मेहमान थे। उनके देहांत के बाद उनकी सारी संपत्ति मुझे वैसे ही मिल जाती, मैं ये मर्डर वर्डर का क्यों सोचता, वो भी अपने बूढ़े बाबा का। और कुछ नहीं। बॉडी कब मिलेगी? जल्दी। कितनी जल्दी? बहुत जल्दी। किसने मारा मेरे पति को? कौन थे वो लोग? सगाना मैडम, अभी तो कुछ पता नहीं चल पाया प्रमिला। झगड़ा? कैसा झगड़ा साहब? बूढ़े मालिक मेघराज के साथ या उसके सहायक विलास के साथ? साहब, किसी से भी पूछो, मैंने हमेशा काम से काम रखा है, कभी किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ है। उन दोनों को किसने मारा निर्मला? मैं तो उस दिन काम करके चली गई थी, सुबह आके देखा तो पता चला कि ऐसे ऐसे करके हुआ है। साहब, किसी को भी पूछो, 6 घरों में मैं डेली काम करती हूँ, लेकिन कभी किसी ने शिकायत नहीं की, गाली नहीं दी, कुछ भी नहीं किया। पर मुझे कैसे पता कि साहब और विलास को किसने मारा? दोनों की मौत के बीच मुश्किल से मिनटों का फर्क रहा होगा। मौत की टाइमिंग डॉक्टर? करीबन 12:00 से 1:00 के बीच। डाइनिंग टेबल पर खाना लगा हुआ था, अनटच्ड। इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि हत्यारे 2 या 2 से ज्यादा थे, मेघराज कुलकर्णी और विलास,
दोनों का अलग अलग कमरों में कत्ल किया गया, वो भी लगभग एक साथ। सोचने वाली बात यह है कि कातिल फ्लैट में दाखिल हुए तो हुए कैसे? साढ़े 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच कोई बिल्डिंग में एंटर ही नहीं हुआ सिवाय कुछ बिल्डिंग रेजिडेंट्स के। शायद हत्यारे पहले से आए होंगे सर, काफी पहले से। मतलब कोई सिंगल कातिल, 2 या 3 या फिर उससे भी ज्यादा, ना तो बिल्डिंग में आए और ना ही बिल्डिंग से बाहर गए। जी सर। मोहिते, शायद कातिल अभी भी बिल्डिंग में ही है। मानी, तेरा कोई बॉयफ्रेंड शायफ्रेंड है कि नहीं? आप जैसा कोई मिला नहीं आजोबा। चल झूठी कहीं की, तू एकदम सिद्धी है, बिल्कुल अपनी दादी की तरह, उन्हीं का खून है ना? वो तो मैं हूँ। अरे पागल, एक अच्छा सा अपनी उम्र का लड़का ढूंढ ले ताकि जब तू मेरी उम्र की होगी तो तेरे देखभाल कर सकेगा जैसी तुम मेरी देखभाल करती है। पर मैंने तो बचपन में ही डिक्लेयर किया था आजोबा कि मैं अगर शादी करूंगी सिर्फ अपने आजूबा से। अच्छा चल, मैंने तुझे परमिशन दे दी, अब तो ढूंढ ले कोई स्मार्ट लड़का, बिल्कुल भी जलस नहीं फील करूंगा। हाँ, प्रॉमिस। तुम्हारे दादाजी और ऊपर के फ्लैट में जो नार्वेकर फैमिली रहती है उनके बीच कोई अनबन किसी तरह का कोई झगड़ा था? नार्वेकर फैमिली, उस दिन जिनके घर में पूजा थी जिस दिन मर्डर हुए। सर, हर 3 महीने में एक बार हमारे घर कोई ना कोई पूजा होती है। एग्जैक्टली आप जानना क्या चाहते हैं? एग्जैक्टली काफी कुछ जानना है हमें, इसलिए फोन पर बात करने के बजाय आप हमारे क्राइम ब्रांच ऑफिस आ जाइए। सर मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन एक बात कह देता हूँ, मेघराज कुलकर्णी और विलास के मर्डर केस में मेरा या मेरी फैमिली का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं। हम भी तो नहीं कह रहे हैं कि कोई कनेक्शन है, हम तो बस आपसे चंद सवाल पूछना चाहते हैं ताकि हमारी गलतफहमी दूर हो जाए, इसलिए आ जाइए। ओके, कब आना है? अभी। कुणाल नार्वेकर और रीमा नार्वेकर से मेरी हाय हेलो से ज्यादा कभी बात ही नहीं हुई सर, और वो भी लिफ्ट में या कॉलोनी में आते जाते वक्त। आजोबा का उनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो ये मुझे याद नहीं आ रहा। तुम अपने दादाजी के साथ पिछले 1 साल से रहनी थी ना? जी। उससे पहले कभी कुछ हुआ हो, कुछ ऐसा कभी बताया तुम्हारे दादाजी ने तुमसे? नहीं सर, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। आखिरकार खूनी पीड़ित के घर में दाखिल कैसे हुए थे और एक्चुअली वो करने क्या आए थे? उन्हें किसी ने बुलाया था या भेजा था? मकसद क्या था उनका? ये केस पुलिस को अचरज में डाल चुका था क्योंकि कोई स्पष्ट मकसद नहीं दिखाई दे रहा था और इसी वजह से मुजरिमों की चाल साफ तौर पर नजर नहीं आ रही थी। लेकिन इस जुर्म के होने के पहले कुछ हरकतें हो चुकी थी जो लौटकर इस केस को सुलझाने वाली थी। प्रमिला, आपको आपके पति का शव जल्दी मिल जाएगा। मैडम कोणी मारले माझा नवराला, सांगा ना मैडम कौन थे वो लोग? अभी कुछ बता नहीं सकते, तहकीकात जारी है। अभी ये पता नहीं चल पा रहा है कि इस कांड में असली निशाना आपके पति थे या उनके सेठ। आप बताइए प्रमिला, आपके पति को कौन मारना चाहता था? मुझे इस वक्त कुछ याद नहीं आ रहा है। ये गोपाल है, गोपाल जादव, मेरे एजेंसी का सप्लायर है। किस चीज की एजेंसी? मैं पीवीसी पाइप का डीलर हूँ। और ये बाकी के लोग कौन है? ये रवि शेट्टी है, ये गिरीश पवार है, ये वेणु है, ये सारे मेरे एजेंसी के सप्लायर्स हैं। और ये दोनों कौन है समझ में नहीं आ रहा है। ये 2 की तो सिर्फ पिक दिख रही है। ये दोनों पहले भी पूजा में आए हैं? ये रवि और गिरीश है जो बात कर रहे हैं, और ये दो। और सर आप ये सब क्यों कर रहे हैं?
आपके घर के ठीक एक फ्लोर नीचे जो दो दो मर्डर हुए हैं, हमें लगता है कि घर में कोई जबरदस्ती नहीं घुसा बल्कि घर के अंदर गया और अंदर से उसके लिए दरवाजा खोला गया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कौन है वो शख्स जो घर के अंदर गया और कैसे गया। आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? हमें लगता है उस दिन पूजा में जो आपके घर लोग आए थे उन्हीं में से किसी ने मर्डर किया। क्या? आपके घर की पूजा को आड़ बनाकर कोई मेघराज कुलकर्णी के घर गया। कैसे सर? उस घर में कत्ल करने वाला मेरे घर आया ही कैसे और उन्हें पता कैसे चला कि मेरे घर पूजा है? उस दिन पूजा में जो लोग आए थे वो आपको याद है कौन कौन आए थे? जी नहीं, एकदम सबको याद नहीं कर पाऊंगा, मेरी पत्नी से पूछना पड़ेगा। आप अपनी पत्नी से बात कीजिए और एक लिस्ट बनाइए कि आपके घर उस दिन पूजा में कौन कौन आए थे और खास करके वो जो मेघराज कुलकर्णी की फैमिली को भी जानता हो। The number you have called is currently not reachable. स्पीड अप कैब सर्विसेज में आपका स्वागत है सर। इस नंबर से दो दिन पहले हमने एक कैब बुक की थी। मुझे पता लगाना है दो दिन पहले ये कैब किसने बुक की थी, पिकअप कहां से था और डेस्टिनेशन क्या था। सर मेघराज कुलकर्णी के नंबर से एक कैब बुक की गई थी। हेलो। हाँ मैडम, एक कैब बुक करानी है मेरे को। सर कैब बुक की गई 2:25 पर और पिकअप टाइम दिया गया 3:20। 55 मिनट का कैब। इस कैब ड्राइवर महेश राज ने अपने मोबाइल नंबर 4445-6789 से मेघराज कुलकर्णी के फोन पर 3 बार कॉल किया सर। एक 2:45 पर, दूसरा 2:55 और तीसरा 3:05। और बुकिंग करने वाला था निखिल चौहान। जी हाँ सर। सर हो सकता है निखिल चौहान और शायद उसके साथीदार 3:20 तक वहीं इंतजार करते फ्लैट में। 3:20 तक नहीं, 3:15 तक, क्योंकि पूजा खत्म होने के बाद 3:15 नार्वेकर के घर से लोग बाहर आए। निखिल चौहान और उसका साथीदार पूजा खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। वो भीड़ में शामिल हुए ताकि CCTV कैमरा में अलग से ना दिखे। इस वक्त हमारे पास एक ठोस लीड है, निखिल चौहान। और कैब ड्राइवर महेश राज? एक बात तो पक्की है मोहित, उस दिन मेघराज कुलकर्णी के घर पर कम से कम एक कत्ल करने की प्लानिंग तो की गई। सिवाय लॉकर के घर में किसी भी चीज को नहीं छुआ गया, किसी भी चीज को डिस्टर्ब नहीं किया गया। लॉकर वाली कबर्ड में भी कुछ और नहीं ढूंढा गया, उसका सिर्फ लॉकर लूटा गया। शायद हथियारे पूरे घर से अच्छी तरह से वाकिफ थे सर। वैसे कॉम्बिनेशन तो और सारे हो सकते हैं इस केस के, पर मुझे लगता है कि असली टारगेट मेघराज कुलकर्णी था और लॉकर को लूटना मैज एक दिखावा है सर। असली मकसद तो कत्ल करना था। अपोजिट भी उतना ही मुमकिन है मोहित। हो सकता है असली टारगेट विलास भोसले था, मेघराज कुलकर्णी सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उस वक्त वो वहां पर मौजूद था और लॉकर गुमराह करने के लिए लूटा गया। सर इस केस की एक और थ्योरी हो सकती है, ये विलास भोसले उस एक या दोनों के साथ मिलकर मेघराज कुलकर्णी को मारकर घर लूटना चाहता था। उसने उन दोनों को अंदर लिया, उन लोगों ने मेघराज को मारा और लूट के दौरान कुछ ऐसा हुआ होगा कि उन लोगों ने विलास को भी मार दिया। मोहित, लॉकर में सिर्फ 20,000 रुपए थे, अब इतनी छोटी सी रकम के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग, दो दो मर्डर। मोहित एक काम करते, कैब ड्राइवर को उठाते, शायद ये हमें निखिल चौहान तक ले जाएगा। कहीं ऐसा ना हो सर ये निखिल चौहान नाम ही झूठा हो। जो आदमी विक्टिम के घर में बैठकर उसी के मोबाइल फोन से कैब बुक करने की डेयरिंग कर सकता है, मुझे नहीं लगता वो झूठा नाम यूज करेगा। हो सकता है उसका असली नाम निखिल चौहान है। हेलो, हाँ जी मैं महेश राज बोल रहा हूँ, आप कौन? इस डबल मर्डर में असली निशाना कौन था और कौन कोलेट्रली यानी के आनुषांगिक तौर पर मारा गया? एक थे 75 वर्षीय सीनियर सिटीजन और दूसरा था उनकी देखभाल के लिए रखा गया अटेंडेंट। अब तक पुलिस के पास ना तो कोई संदिग्ध था और ना ही कोई मकसद, लेकिन अब पुलिस के सामने एक सस्पेक्ट का नाम था, निखिल चौहान, और शायद उसे और उसके साथीदार को ड्रॉप करने वाला कैब ड्राइवर महेश राज। सिर्फ 20,000 रुपए लूटे गए थे, क्या ये लूट इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने का एक पैंतरा था? क्या इन हत्याओं में सिर्फ एक कातिल इन्वॉल्व था या दो थे या फिर तीन थे और तीसरा
कत्ल के दौरान मारा गया था। कई थ्योरीज उठ रही थी इस केस को लेकर, तहकीकात किसी भी दिशा में जा सकती थी। हेलो, हाँ जी, मैं महेश राज बोल रहा हूँ। महेश राज तेरा असली नाम है? हाँ सर। 3 दिन पहले 3:20 पर सने मार कोरेगांव पार्क से तूने 2 आदमियों को उठाया था? हाँ सर, इंजेवाड़ी की पार्टी थी। जिन दो लोगों को तूने ड्रॉप किया वो दोनों हमारे सस्पेक्ट्स हैं, एक डबल मर्डर केस में। ये दोनों दिखते कैसे थे महेश राज? बोलिया बताओ उनका। वो मेरा ध्यान तो गाड़ी चलाने में था, वो उन दोनों को तो ठीक से देखा तक नहीं मैंने सर। उन दोनों के बीच कोई बात हुई थी, कुछ भी याद है कुछ? नहीं सर। महेश, तूने 3 बार उसको कॉल किया था जिसने कैब बुक की थी, पहले 2:45 को, फिर 2:55 को, और उसके बाद 3:05 को, ऐसा क्यों? वो सब बुकिंग में उन्होंने मुझे साने मार्क बोला था, मगर डिटेल एड्रेस मुझे पता नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने प्रॉपर एड्रेस जानने के लिए उनको कॉल किया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि तू वहीं पर रुक जा। वहीं रुको, हम आ रहे हैं। सब जल्दी आइए, देखिए हमको 15 मिनट से ज़्यादा वेट करना अलाउड नहीं है। और ऐसे ही वेटिंग चलता गया सब, और मैंने उनको 3 बार कॉल भी किया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि तू वहीं पर रुक जा, और इसलिए मैं कंपनी में फ़ोन करने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त वो लोग वहाँ पर आ गए। साहब पूरा 25 मिनट वेट हो गया। ला गया ना, गाड़ी निकल फटाफट। आप पर जाना कहाँ है? इंजेवाड़ी ले ले। जो कुछ भी तुझे याद है बता दे, उम्र, शक्ल, कपड़े, कुछ भी। उन लोगों को पिकअप करने से पहले मैंने 4 पिकअप किए थे, उनके बाद और 5 पिकअप किए थे। शक्ल वगैरह कहाँ याद रहती है साहब, अपना भी दिमाग है, कैमरा तो है नहीं। ये देख, इनमें से कोई था? इनमें से कोई नहीं था साहब। ये दो जो पीठ दिखा के खड़े हैं, ये वो है क्या? साहब इनके तो चेहरे नहीं दिख रहे। हमारा स्केच आर्टिस्ट आएगा अभी, तू जो जो बताएगा उसके हिसाब से वो इनका स्केच बनाएगा। दिमाग पर जितना जोर डाल सकता है डाल, इनका स्केच बनवाने में हमारी मदद कर। और याद रख, दो दो लोगों का कत्ल हुआ है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोग्य प्राणी तथा शरीराणि विहाय जिन्नन्नि संयति नवानि देहि नयनं छिन्दन्ति शस्त्राणि ननं दहति पावक नाचयनं क्लदन्त्यापो नाशोचयति मारुतः। ओम ब्रह्मा मुरारी स्फुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश गुरुश्च शुक्रो शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ओम ध्वा अंतरिक्ष शांति प्रत। रिमा, पोलिस तुला फोन करना रहे वो सीसीटीवी फुटेज में लोगों को पहचानने के लिए। इमानी, बाबा की विल कहाँ है? उन्होंने कोई विल बनाई भी थी या नहीं? मुझे नहीं पता कि उन्होंने कोई विल बनाई थी या नहीं, उनके बैंक लॉकर में चेक करना होगा। और कब चेक करोगे बैंक लॉकर? मयंक काका, 13वीं तो हो जाने दो। इतने दिन मैं यहाँ रुक नहीं सकता, अगले 3 दिन मैं हूँ यहाँ। चेक करो और बताओ मुझे कि विल में क्या लिखा है बाबा ने। पुलिस कह रहे कि उन्हें मालूम नहीं विलास और उसके सेठ मेघराज को किसने मारा। तेरे से कुछ बात हुई पुलिस की? कोई सवाल पूछे उन्होंने? नहीं तो मुझसे क्या पूछेंगे? नहीं, वो ऐसे ही
नहीं चलेगा। तो सोचो, जोर दो, कुछ तो याद करो। साहब, मैंने उनको ठीक से देखा ही नहीं, तो क्या ठीक से बताऊं और क्या दिमाग पे जोर डालूं? सर, मयंक कुलकर्णी के कॉलिंग कॉर्ड्स में शक करने जैसा कुछ नहीं है। मतलब तगड़ी प्लानिंग की असली कातिल है। जी हाँ सर, और ये कैब ड्राइवर भी ज्यादा कुछ काम का नहीं लगता है। हिस्ट्री शीटर से बात हो? जी हाँ सर, कम से कम 2 दर्जन हिस्ट्री शीटर को राउंड अप किया है, पर किसी ने भी ऐसी सुपारी की कोई खबर नहीं सुनी। इस वक्त हमें इतना मालूम है कि 2 कातिल थे, जिसमें से एक का नाम था निखिल चौहान। अब ये नाम असली है या फर्जी, ये भी नहीं मालूम। मोहित, उनके लिए दरवाजा खोला गया था। एक बात और है सर, मेघराज को चलने में तकलीफ होती थी और विलास के होते हुए वो दरवाजा क्यों खोलते? लेकिन जब इन दोनों ने बैल बजाई तो दरवाजा खोला विलास ने। सिर्फ उनके लिए घर का दरवाजा खोला ही नहीं गया, बल्कि घर के अंदर एंट्री भी दी गई। या तो ये हो सकता है कि उससे किसी ने कहा हो कि वो लोग आने वाले हैं, उनके लिए घर का दरवाजा खोले, घर में एंट्री दे, या फिर ये भी हो सकता है कि उसने खुद उनको बुलाया। वैसे सर, विलास के कॉल रिकॉर्ड्स में कोई अजीब कॉल्स नजर नहीं आ रहे हैं। उसने सारी कॉल्स या तो अपनी पत्नी प्रमिला को की हैं या फिर अपनी मेम साहब हेमानी को, जो शायद काम से किए गए। अगर हम मान लें कि असली टारगेट विलास भोसले था, तो फिर मकसद क्या था? सर, हो सकता है विलास और ये दोनों दोस्त हों, ये इन तीनों की जॉइंट प्लानिंग हो, साजिश हो। ये तीनों लूट के लिए घर में पहुंचे और जब इन लोगों ने देखा कि लॉकर में सिर्फ 20,000 कैश है, तो उस बात को लेकर इन तीनों में कोई अनबन हो गई और उन दोनों ने मिलकर विलास को मार दिया और उसके बाद मेघराज कुलकर्णी को, क्योंकि वो गवाही दे पाता। या फिर पहले मेघराज कुलकर्णी को, उसके बाद विलास को। या फिर सर, ये पैसे का मामला है ही नहीं। कोई अफेयर शफेयर का मामला? उसकी पत्नी प्रमिला सर, उससे बात करते हैं। जरूर करते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर असली टारगेट मेघराज कुलकर्णी था तो क्या मकसद हो सकता है? सर, उसका बेटा अब भी हमारे शक के दायरे में है। बेटे को प्रॉपर्टी के सेल के पैसे चाहिए थे जो बाप उसे दे नहीं रहा था। और हिमानी? हिमानी क्लीन लगती है? लगती तो क्लीन है सर, लेकिन ये पैसों का लालच अच्छे अच्छों को मैला कर जाता है। ऑटो, लोग कौन थे का क्या मतलब है इंस्पेक्टर? मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, वो दो लोग आपके दोस्त जो आपके साथ आते थे जब आप अपने पिता से मिलने आते थे, कौन है? बस मेरे दोस्त हैं इंस्पेक्टर, उनका उस वक्त काम होता था तो मेरे साथ पुणे आते थे और साथ में लौट जाते थे। मुझे आपके उन दोनों दोस्तों से मिलना है मैम जी। सॉरी इंस्पेक्टर, 1 महीने से ज्यादा का फुटेज रखना मतलब हमें कई हार्ड डिस्क खरीदनी पड़ेंगी, इसलिए हम कुछ दिनों से ज्यादा का फुटेज रखते ही नहीं। सॉरी सर, मुझे उन लोगों के बारे में नहीं मालूम जो मयंक काका के साथ आते थे। मेरे घर पे होते हुए तो वो लोग नहीं आते थे ना। इसका मतलब तुम्हारे मयंक काका जिन 2 लोगों को हमारे सामने पेश करेंगे, हमें मान लेना होगा कि वही 2 लोग थे। अब इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ सर, वो तो आरजूबा थे और विलास भाव, जो उन लोगों को जानते थे जो मयंक काका के साथ आते थे। पर अब वो दोनों ही नहीं रहे। मेरी भतीजी गेम खेल रही है, उसने पुलिस को बोला है कि मेरे साथ मेरे 2 दोस्त आते थे पापा से मिलने, इसलिए अब पुलिस तुम दोनों से मिलना चाहती है। पुलिस को क्या कहेंगे भैया? आप जरा डिटेल में बताएंगे, आप जानना क्या चाह रही हैं? हिमानी कुलकर्णी के बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्सनल प्रोफेशनल सब कुछ। सर, मुझे नहीं मालूम ये दोनों कौन है।
स्ट्रॉन्ग डाउट है हमें। यही दोनों है जिन्होंने मेघराज कुलकर्णी और विलास भोसले का कत्ल किया है। दरअसल रीमा जी, उस दिन ही आपकी पूजा मंडली के साथ अंदर दाखिल हुए ताकि सीसीटीवी में पता ना चले। फिर कत्ल करने के बाद काफी देर तक ये कुलकर्णी के फ्लैट में इंतजार करते रहे, और जैसे ही आपके घर की पूजा खत्म हुई और भीड़ नीचे आने के लिए बाहर निकली तो ये दोनों भी उसी भीड़ में शामिल हो गए सीसीटीवी को पीठ दिखाकर। सर, मैंने पहले ही कहा था कि उस दिन हमारे घर में काफी लोग आए थे। ऐसे में मुश्किल होता है कि सब पर नजर रखना या फिर पूछना कि भाई आप कौन हो। ऐसा भी हो सकता है कि पूजा शुरू होने के बाद कोई आकर बैठा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे घर कोई आया ही ना हो, बाहर ही हो। सिर्फ लॉबी से अंदर आने के लिए या बाहर जाने के लिए हमारे घर आई भीड़ का इस्तेमाल किया हो। अच्छा रीमा जी, उस दिन आपने किसी ऐसे को देखा जो आपकी पहचान का नहीं था? मेरा मतलब जैसे देखकर आपको खटका हुआ कि ये कौन है और आपकी पूजा में क्या कर रहा है। नहीं सर, मैं भी तो मेरे हस्बैंड के साथ पूजा में ही बैठी थी, और अगर कोई ऐसा होता तो अभी तक आपको बता दिया होता। उस दिन आपके घर में जितने भी लोग आए थे आप उन सब की एक लिस्ट बनाइए, मुझे उन सब की सारी डिटेल्स चाहिए, उनके फोन नंबर, उनके पते और उनका आप लोगों से क्या रिश्ता है। सर, ये रवि है, ये वेणु है, ये गिरीश है और ये राजीव है, लेकिन ये दोनों कौन है मैं नहीं जानता। ये हमारे साथ नहीं थे। जी नहीं साहब, मुझे भी मालूम नहीं ये दोनों कौन है। नहीं सर, सर इनके चेहरे तक तो दिख नहीं रहे, तो पहचानने का तो सवाल ही कहाँ से आता है। पर एक बात है सर। क्या? सर वो दूसरा वीडियो देखिए जहाँ हम सब पूजा के बाद बाहर आ रहे। सर एक बात नजर में आई, सर वो देखिए, सर इन दोनों के कपड़े बदले हुए हैं, लेकिन मुझे डाउट है ये वही दो लोग हैं जो अंदर आते समय थे। हमारी नजर से चूक गया सर, लेकिन जब गिरीश ने बताया तब पकड़ में आया। ये दोनों वही हैं, बस कपड़े चेंज हैं। कपड़ों पर खून के दाग लग गए होंगे, इस वजह से चेंज किए होंगे। जाहिर है सर, ये प्लान्ड मर्डर था। ये लोग अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आए थे, काम किया, कपड़े चेंज किए और उसके बाद भीड़ में शामिल हो गए। गारंटी इन लोगों को पता था कि पूजा होने वाली है, इस तरह से अंदर जाना है और इस तरह से बाहर निकलना है। कत्ल तो इन दोनों ने ही किया, लेकिन मास्टरमाइंड कत्ल कोई और है। सर, हिमानी और उसकी माँ गायत्री दोनों का बैकग्राउंड चेक किया, लेकिन सर शक करने जैसा कुछ मिला नहीं। और सर, कांस्टेबल स्मिता को विलास भोसले की पत्नी परमिला की ड्यूटी पर लगा दिया था, लेकिन सर वहां भी कुछ खास नहीं मिला। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। अभी तक ना हमें कातिलों का पता है और ना ही कत्ल के मकसद का। हमें मालूम है सर कि ये एक प्लान मर्डर था, और 99% विलास ने ही उन दोनों कातिलों के लिए दरवाजा खोला है। विलास या तो इनसे मिला हुआ था या फिर इन्हें जानता था। शायद ये दोनों कातिल इस घर में पहले भी आ चुके थे। ए, मैं निकल रहा हूँ, काम पे जाना है। मैं अभी थोड़ी देर और सोऊंगा। तुम दोनों तो अभी शाम तक उठने वाले हो नहीं, आके मिलता हूँ। वो दो हत्यारे जो उस दोपहर मेघराज कुलकर्णी के फ्लैट में दाखिल हुए, डबल मर्डर करके फरार हुए, वो दोनों पुलिस की पहुंच और नजरों से बहुत दूर थे। उन्होंने एक प्लान को अंजाम दिया था और अभी तक उनका पलड़ा भारी था। वो दोनों पुलिस की रडार में तो थे, लेकिन पुलिस को उन तक पहुंचने में बहुत देर लगने वाली थी। लेकिन अब इन दोनों की मोडस ऑपरेंडी, जुर्म के लिए अपनाया गया तरीका पुलिस के सामने लगभग आ ही चुका था। तू बताएगा नहीं, मैं करूंगा नहीं। अरे रुकना, थोड़ा सिग्नल तो मिलने दे। वो घर कंबाली निकली है ना, इसके बाद एक और घर कंबाली निकलेगी। ये जो लेडीज गई अभी यहां से, उसका फ्लैट है क्या? तो अब बता दे, क्या काम उठाया तुमने? ज्यादा उतावला मत हो। वो देख, एक और कंबाली आ गई। ये उसी घर में काम करती है। अब आधे घंटे में एक और भाई आएगी, घर कम वाली। अब जब ये बाहर निकलेगी, हाँ,
वो होगी अपनी हरी झंडी। तो भाई इस काम के लिए कितना पैसा मिलेगा अपने को? तो पहली बार कर रहा है क्या? तो शांति रखना, तुझे भी अच्छा रोकड़ा मिलेगा। रास्ता क्लियर है, हम लोगों को इन लोगों के पीछे चलते रहने का। जैसे ही लोग लोगी में पहुंचे टर्न मारने, समझा क्या? यार हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ तो बोल। चलना ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम ब्राह्मणाय नमः स्वाहा, ओम कुलदत्ताभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्व शांति 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 करी से, ओम सर्व शांति अभ्यो नमः स्वाहा, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः अभी तो सोए है सेठ। तो रुकते हैं थोड़ी देर, पानी तो पिला दो। ठीक है बैठो। जोड़ी कपड़ा तैयारी में लेकर आया मेरे को बोला लाने के लिए, इधर आकर दो दो गेम बजाए हमने, क्या सिर्फ 20,000 रुपए के लिए? हैं भाई आप बता दे किसने दिया सुपारी, कितने की दिया सुपारी? निकल सुन, ऊपर पूजा खत्म होने तक हम लोग इधर ही वेट करेंगे, उसके बाद जैसे ही वो लोग निकलेंगे हम लोग उन लोगों में शामिल हो जाएंगे। नीचे जो CCTV कैमरा लगे हैं ना उनमें हम दिखेंगे नहीं ठीक से, बरोबर ना? वाले का होगा उसको बोल रुकने को, हम लोग आ रहे हैं। तो यार तुम लोग सिर्फ पूजा के टाइम में आते हो, कभी ऐसे भी आया करो। कुणाल भाऊ हम तो पूजा के बहाने कभी कभी आ भी जाते हैं आपके यहाँ पर, आप तो वो भी नहीं आते। भाभी जी के साथ कभी बनाइए कोई प्रोग्राम, आइए घर पर। जरूर गिरीश भाऊ जरूर। चलिए चला, नमस्कार। दोनों हत्यारों में से एक ऐसा था जिसे मालूम नहीं था कि उसे हत्या में शामिल होना है और क्यों हो रही है हत्या। वो मुख्य हत्यारे से बार बार सवाल कर रहा था जबकि मुख्य हत्यारा बड़े ठंडे दिमाग से अपना काम किए जा रहा था। हत्याकांड के बाद पुलिस भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रही थी, कत्ल क्यों किए गए और किसके कहने पर किए गए।
नहीं सर, हम इनमें से किसी को नहीं पहचानते। लेकिन वो थे तो पहचान वाले, उन्हें घर के अंदर लिया गया, एंट्री दी गई, और उस वक्त घर में दो ही लोग थे, तुम्हारे दादा और विलास। अब तुम्हारे दादा ने तो दरवाजा खोला नहीं होगा। नहीं सर, अजूबा बीमार रहते थे, वो दरवाजे तक तो नहीं आ पाते। तो जाहिर सी बात है, दरवाजा विलास ने खोला हो। वो तुम्हारे दादाजी की पहचान के थे या फिर विलास की, जिसके चलते वो घर के अंदर आए। अब हिमानी, हमें ये जानना है कि ऐसा कौन हो सकता है जिसके लिए इतने आराम से विलास दरवाजा खोल देता। दिन भर ऑफिस में रहती हूँ, हफ्ते में 6 दिन। मेरे पीठ पीछे क्या होता है, कौन आता है कौन जाता है, फ्रेंकली मुझे नहीं मालूम। विलास को काम पर कैसे रखा गया था? वो एक एजेंसी के थ्रू आया था। एजेंसी से तुम्हारे दादाजी ने कॉन्टेक्ट किया? जी सर, 1 साल से वो अजूबा के साथ काम करता था। कभी कभी उसकी बीवी भी आती थी, प्रमिला, वो भी घर का थोड़ा बहुत काम कर लेती थी। तुम्हारे दादाजी काफी पैसा छोड़कर गए? जी, क्या बात है सर? हिमानी, क्या ऐसा है कि तुमने हमें वो नहीं बताया है जो इस वक्त हमें पता होना चाहिए? मैं आपके इशारे समझ रही हूँ सर, पर ट्रस्ट मी, मुझे जो जो मालूम था, शक था, मैं आपको सब कुछ बता चुकी। तुमने हमें जो अपने काका मयंक कुलकर्णी के बारे में बताया, वहां पर हमें कुछ दाग में काला नहीं दिखा। वहां नहीं दिखा तो आप यहां ढूंढ रहे हैं? सर, मैं बच्ची नहीं हूं और बेवकूफ भी नहीं, अच्छी तरह से जानती हूं। मेरा पीछा हो रहा है, ऑफिस में इंक्वायरीज हो रही, मेरे अजूबा मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, मेरी अच्छी जॉब है, मुझे उनके पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस उनसे बहुत लगाव था, इसलिए उनकी देखभाल करने के लिए मैं उनके साथ रहती थी। वो खूनी तुम्हारे दादाजी के घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, उन्होंने सिर्फ लॉकर ढूंढा। वो घर में तब दाखिल हुए जब घर पर सिर्फ तुम्हारे दादाजी और विलास मौजूद थे। सर, हमारे घर से ताल्लुक रखने वाला हर शख्स ये जानता था कि दोपहर में अजूबा और विलास घर में अकेले रहते थे। घर के दोनों भाइयों को भी ये बात मालूम थी और पड़ोसियों को भी। हाउसिंग सोसाइटीज में सभी को एक दूसरे के घरों की खबर रहती है, लेकिन सोसाइटी में इन दोनों आदमियों की किसी को खबर नहीं। मैं अभी भी आपके बात का मुद्दा नहीं समझ पा रही हूँ, आप इसमें किसकी गलती साबित करना चाहते हैं, मेरी? यहाँ किसी की गलती नहीं, बल्कि दो दो वेल प्लान मर्डर हुए, और मैं ये जानना चाहता हूँ वो शख्स कौन है जो तुम्हारे दादाजी के घर से खुद के घर की तरह वाकिफ था, लेकिन इतनी नफरत भरी थी उसके अंदर या फिर लालच कि उसने घर के मालिक को ही मार दिया और साथ में उनके अटेंडेंट विलास को भी। जो भी है वो, उन्हें पकड़ लीजिए सर, और हो सके तो मेरे सामने लेके आइए। मैं भी जानना चाहती हूँ उससे कि ऐसा क्या किया था मेरे अजूबा ने उनके साथ। विलास के बारे में सुनके बहुत दुख हुआ सर। तुम्हारी एजेंसी उसे प्लेस करती थी, तो जरा रिकॉर्ड्स देखकर बताइए, कोई रेड मार्क है या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी? बिना रिकॉर्ड देखे ही बोल सकता हूँ सर, विलास जैसा अटेंडेंट था ही नहीं। पेशेंट ठीक हो जाते थे फिर भी उसको नहीं छोड़ते थे, और मेघराज कुलकर्णी तो बड़े आदमी थे, उन्हें बेस्ट अटेंडेंट चाहिए था, इसलिए मैंने विलास को उनके पास भेजा था। साहब, मुझे नहीं मालूम ये दोनों कौन है। विलास के कोई दोस्त ऐसे दिखते हैं? साहब, मेरे पति के दोस्त वगैरह नहीं थे, वो पूरा टाइम अपने काम में ही लगे रहते थे। हाँ, कभी बात बात करते थे तो अपने बड़े भाई मनोज से। क्या कहना चाहोगे मनोज? क्या बोलूं मैं साहब, भगवान का आदमी था मेरा भाई। कभी कभी शनिवार या रविवार को घर पे आता था, मिलते बात होती। विलास का कोई दोस्त नहीं था? वो तो मैं कह नहीं सकता साहब, लेकिन उसके पास टाइम ही कहाँ था, हमेशा काम में ही दिल लगा था, और कोई आदतें भी नहीं थी उसकी, तो उसको कोई क्यों ऐसे मार डालेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता। साहब, कैसे भी करके दोनों को धर लो साहब, कितनी बेरहमी से मेरे पति को मारा, आखिर क्या दुश्मनी निकाल रहे थे वो लोग, मैं जानना चाहती हूँ, उनके चेहरे देखना चाहती हूँ। नहीं साहब, पहले कभी देखा नहीं इन्हें। याद करो सविता, कभी कोई मिलने आया हो विलास से या तुम्हारे साहब मेघरा से? ऐसा ना साहब, एक बार मैं किचन में घुसी ना तो एक ही घंटे में फटाफट पूरे दिन का खाना बना दी थी और वहाँ से निकलती थी, फिर से नहीं लौटती थी साहब, और बाहर कौन आया गया मुझसे कुछ लेना देना नहीं था ना साहब। कसम से कहती हूँ साहब, मैंने कभी किसी को देखा नहीं साहब, मैं बस काम से काम रखती थी साहब। सच कहता हूँ, हमारी पूजा में ऐसा कोई नहीं दिखा जिसे हम जानते नहीं, लेकिन
सीसीटीवी में जो है वो थोड़े अजीब लगते हैं, हमारे यहाँ नहीं थे। और दरअसल हम लोग पूजा के काम में बहुत बिजी भी थे। कितनी अजीब बात है ना, वॉचमैन ललित भी यही बता रहा था कि उसने भी उन दोनों को कभी नहीं देखा। पर ऐसा कैसे, मतलब कोई आता है चुपके से, खून करता है, आराम से चला जाता है, किसी ने कुछ देखा नहीं सुना नहीं। विमानी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे। नहीं साहब, कौन है ये? किसी दिन तुम्हारे सेठ के घर पे आए थे ये लोग, सेठ से मिलने या विलास से मिलने? नहीं देखा साहब, मैं तो काम करके निकल जाती थी। अच्छा, विलास से तुम्हारी कभी तो बात हुई होगी? घर में कोई झगड़ा हुआ था या कोई अनबन? कभी ना कभी कुछ तो कहा होगा उसने, याद करो। साहब काम करते करते इधर उधर की बात होती थी, मगर घर काम के बारे में, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि सेठ जी बिगड़ जाते थे। बिगड़ जाते थे मतलब? उन्हें पसंद नहीं था मैं और विलास एक दूसरे से बात करें। उनको लगता था हम काम नहीं कर रहे, गप्पा लड़ा रहे हैं, तो फिर डांट देते थे। अब उनके बात का बुरा नहीं मानते साहब। तुम डांट का बुरा नहीं मानते थे, पर तुम्हें ये कैसे पता कि विलास भी बुरा नहीं मानता था? विलास ने कभी तो तुम्हें कहा होगा, कभी कोई शिकायत की उसने सेठ के खिलाफ तुमसे? नहीं साहब, विलास तो एकदम सीधा साधा आदमी था, सेठ की बात का बुरा नहीं मानता था वो, उस नालायक जैसा नहीं था। कौन नालायक? वही परशुराम भाऊ का लड़का, बेवड़ा, एक नंबर ही कामचोर। ये परशुराम भाऊ कौन? विलास के पहले ना वो यहाँ काम करते थे, उनका लड़का आता था, सर में दर्द था, वो एक काम ढंग से नहीं करता था। मैंने परशुराम भाऊ को भी बोला था आपका लड़का कोई काम ही नहीं करता, फिर शेठ जी ने भी उसको निकाल दिया काम से, फिर विलास आ गया। घर में काम करने वाली निर्मला से पुलिस को मिली ये एक खबर इस केस का ब्रेक थ्रू साबित हुआ। अतीत का एक साया रोशनी में आया था, केस का एक ऐसा पहलू सामने आया था जो अब तक इन्वेस्टिगेशन की रेंज में ही नहीं आया था। लेकिन इस खबर के मिलने के बाद केस तेजी से आगे बढ़ा और बहुत कम समय में सुलझ गया। जुर्म का मकसद सामने आया, पर क्या ये मकसद किसी और बड़े मकसद से जुड़ा हुआ था? हाँ, ऑफ कोर्स मैं परशुराम भाऊ को जानती हूँ। लेकिन इस आदमी का तुमने जिक्र तक नहीं किया। फ्रेंकली सर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका इस केस से कुछ ताल्लुक हो भी सकता है। इनका बेटा भी काम करता था तुम्हारे घर में? नहीं, इनका बेटा क्यों काम करने लगा? परशुराम भाऊ आजूबा के अटेंडेंट थे, शायद उनका बेटा कभी आया होगा घर पे, पर मैं तो घर पे नहीं रहती थी, पर काम परशुराम भाऊ ही करते थे, मैं उनके बेटे बेटे को नहीं जानती। विलास के पहले परशुराम कदम को अटेंडेंट ड्यूटी के लिए भेजा गया था। ये परशुराम कदम का बेटा भी उसके साथ काम करता था, सुना है पियक्कड़ है? हाँ सर, एक नंबर का निकम्मा है वो अविनाश। अगर अविनाश कदम निकम्मा है, शराबी है, तो ये परशुराम कदम उसे अपनी जगह काम पर क्यों भेजते थे? शायद कुछ काम सीख जाए इसलिए, लेकिन लेने के देने पड़ गए सर। ये अविनाश काम चोरी के अलावा बदतमीजी भी करने लगा, मेघराज साहब को उल्टे सीधे जवाब देने लगा, बस कंप्लेन आ गई। अविनाश, अविनाश, अविनाश! क्या हुआ दादाजी? अविनाश कहाँ मर गया? वो तो सो रहा है। उठाओ उसे और उठाकर उसे मेरे सामने बुलाओ। अविनाश, ये हो क्या रहा? तो शराब की बू कैसी आ रही है तुमसे? बू आ रही है? कहाँ आ रही है बू? निर्मला ने अपनी आंखों से देखी शराब की बोतल रसोई में। अरे उसने पीते हुए देखा क्या? जूस था वो। वो ऐसे ही कान भरती रहती है और आप शुरू हो जाते हो। और तू ड्यूटी के वक्त सो कैसे सकता है? दादू काय पाई जाए तुला। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मुझे अपना सर दबवाना था। अरे अभी तो दबाया था थोड़ी देर पहले सर तुम्हारा। तो क्या कोई एहसान किया मुझ पर? देख अविनाश, तू हद से बाहर जा रहा है। बुला बुला अपने बाबा को फोन करके यहाँ, अभी की अभी। मेघराज जी देखिए, शांत हो जाइए, आपकी तबीयत के लिए इतना चिल्लाना ठीक नहीं है सर। अरे अगर मेरी तबीयत की फिक्र होती ना तुम लोगों को, तो ऐसे नालायक आदमी को काम करने के लिए नहीं भेजते मेरे यहाँ। सर मैं अभी परशुराम से बात करता हूँ, अभी बात करता हूँ सर। कोई जरूरत नहीं प्रकाश परशुराम से बात करने के लिए, उसे मेरी बात हो चुकी है। वो कह रहा था कि अविनाश ऐसे ही है, माफी मांगने लगा मुझसे, कह रहा था धीरे धीरे काम करते करते सुधर जाएगा। अरे मैंने यहाँ कोई सोशल सर्विस सेंटर बना रखा है शराबियों को नशा छोड़ा करके उनको सुधारने के लिए। अरे मैं एक बूढ़ा बीमार आदमी हूँ, मुझे अपनी मदद के लिए एक ढंग का अटेंडेंट चाहिए, जो तुम मुझे नहीं दे सकते हो,
तो शहर में और भी एजेंसीज हैं। नहीं नहीं सर, ये परशुराम अविनाश को अब भी रिप्लेस कर देता हूँ और उसकी जगह पे आपको बेस्ट अटेंडेंट देता हूँ। और सर मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। ठीक दो दिन के बाद परशुराम कदम को रिप्लेस करके विलास को भेज दिया मैंने काम पर। प्रकाश मुझे इस परशुराम कदम का एड्रेस चाहिए। ठीक है सर, अभी SMS करता हूँ। और बाप बेटे दोनों के फोटोग्राफ भी जल्द से जल्द। जी नहीं, मुझे ये बात पहले मालूम नहीं थी सर। ये बात तब की होगी जब मैं अपने पापा के घर में रहती थी। मुझे यहाँ आए बस 1 साल हुआ है। जब मैं आजूबा से मिलने आती थी तब परशुराम भाऊ से मिलती थी, पर ये इनका बेटा अविनाश, इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा है। लेके आओ दोनों को। 5 दिन से उसने घर पे मुंह नहीं दिखाया साहब, हम सब परेशान है। अविनाश के सारे दोस्तों के नाम और पते बताओ। उसका तो एक ही दोस्त है साहब, दारू। जो उसको दारू पिलाता है दोस्त बना लेता है शराबी कहीं का। वैसे इस बार क्या कर दिया साहब उसने? मेघराज कुलकर्णी और विलास भोसले, नाम सुना ही होगा। जी बिल्कुल, मैं उनके यहाँ काम करता था। सुना है उनका मर्डर हो गया है। हाँ, और इन दोनों के मर्डर में तुम्हारा बेटा विनाश सस्पेक्ट है। अगर तुम उसे कहीं भी छिपा रहे हो तो बता दो, ये डबल मर्डर है। ये क्या कर दिया अविनाश ने? परशुराम जल्दी पता बता उसका। अगर मुझे पता चलेगा तो आपके पास घसीट कर लाकर डाल दूंगा साहब। हमारे आदमी तुम्हारे घर पे और तुम सब पे नजर रखेंगे। बस एक बात याद रखना, उसकी मदद की तो कानून से तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। साहब, साहब, इस अविनाश कदम को मेरे लड़के ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपने जो उसका दूसरा साथीदार बताया था निखिल चौहान, हाँ वो चाय की टपरी पर चाय पी रहा है। ज़्यादा साहब, कैब बुक करनी है इंजेवाड़ी के लिए। तेरा दोस्त अविनाश कहाँ है? बोल कहाँ है अविनाश? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सब। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले ये बोल कि अविनाश कहाँ है। बोल सर, वो उसका दोस्त है साहब रजनीश, हम लोग उधर ही छुपे हुए थे साहब, और वो भी 5 दिन से उधर ही सो रहा है साहब। मैं मेरी आई की कसम खा रहा हूँ साहब, मेरे को मालूम नहीं था कि मर्डर वर्डर का प्लान है साहब, मेरे को लगा चोरी करने का है। मैं सच कह रहा हूँ साहब, नहीं तो मैं जाता ही नहीं साहब मैं उधर। और ये रजनीश रहता कहाँ है? इंजेवाड़ी में साहब। मुझे कोई फोटो दिखा है दो लोगों के, मैंने तो बोला मैं तो नहीं पहचानती। फिर पूछा घर में कोई झगड़ा वगैरह हुआ था क्या? मैंने बोला हाँ, परशुराम भाऊ के लड़के अवि को लेकर एक दिन गर्मा गर्मी हुई थी। क्या? लेकिन निर्मला तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अरे ताई, मुझे तो लगा आपको सब कुछ मालूम है। लेकिन इस अविनाश कदम को और उसके साथीदार निखिल चौहान को पता कैसे चला कि हमारे घर पूजा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि विलास उन लोगों के साथ मिला हुआ था? कितना पिएगा और कितना सोएगा अविनाश? पुलिस ने अविनाश कदम को धर लिया है प्रमिला। उसने और उसके एक दोस्त निखिल चौहान ने मिलकर विलास और मेघराज सेठ का मर्डर किया था। किसने भेजा था? मतलब किसके कहने पर तूने ये कांड किया? पैसा सटक गया था मेरा, वहां भी कर्स हो गया था। उन्होंने तुझे नौकरी से निकाल दिया, तुझे गुस्सा था उन पर, लेकिन कत्ल करने का आइडिया किसका था? पैसे किसने दिए ना बोल उसका। उस बुड्ढे की वजह से कहीं काम नहीं मिल रहा था मेरे, जिंदगी खराब की ना मेरी। रोज नशे नशे में जाएगा तो कौन काम पर रखेगा? अरे मूर्खा शर्म कर, कितने साल मैंने मेघराज सेठ की सेवा की, तेरे को काम पे लगा, सोचा कि तू काम को आगे बढ़ाएगा और मैंने दूसरा काम पकड़ा। अब देख न तेरे पास काम है न मेरे पास काम है। प्रकाश भाई मेरे को काम पे लेने के पहले 10 बार सोचते हैं, वो खुद बोले मेरे से, वो डरते कि कहीं तू ना टपक पड़े। लड़ा के तो कल से मेरा दिमाग खराब है, चाय पी ले दे अब तू। खराब कर कर कैसा है वहां रे तू, बाप पे हाथ उठाता है। अरे मेलिया लाजने वाटे तुला, बाप और हाथ उठा तो घुमा मेरा भेजा।
फिर किसी ने लाख पट्टी की ना, काम मिलेगा या नहीं, नशा छोड़ेगा या नहीं, तो दांत फोड़ दूंगा थोड़े से, जीभ काट दूंगा प्लेट से। अगर तूने बुड्ढा बुड्ढी की साइड ली तो तेरी एक हड्डी तोड़ दूंगा मैं, समझ रहा कि नहीं, समझ रहा कि नहीं। कहीं भी कोई काम नहीं दे रहा था मेरे को, 50 बार तो प्रकाश भाव के ऑफिस के चक्कर काटे, वो भी तू तड़क से बात करने लगा मेरे को। दूसरी एजेंसी फोन किया, वहां भी खबर पहुंच गई थी, इस बुड्ढे के कारण कहीं कोई काम नहीं दे रहा था, मेरी लाइफ खराब कर दी थी इस मेघराज कुलकर्णी। अरे अविनाश तू इधर। मेघराज सेठ कशा है? सेठ अच्छे है, पर तू इधर कैसे? वो मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा दादू का आशीर्वाद लेता जाऊं। पर अभी तो सोए है सेठ। तो बैठता हूं थोड़ी देर। विलास बाबू मैं एकदम बदल गया हूं, मेरे को दादू को बस एक बात बोलने का, दादू ने जो मेरे को सबक सिखाया ना, मेरी लाइफ एकदम बदल गई। मैं देखता हूँ वो उठे कि नहीं। विलास ने जब दरवाजा खोलकर अविनाश और उसके दोस्त को अंदर आने दिया, उसे ये बिल्कुल ही मालूम नहीं था कि अविनाश के इरादे क्या हैं। इस विलास को भी सबक सिखाना था मेरे को, इसकी वजह से भी कई काम नहीं मिल रहा था मेरे को। तू सबक सिखाएगा? तू हाँ, 24 घंटे नशे में रहता है, अपने मां बाप पर हाथ उठाता है, दो दो कत्ल कर चुका है, तू सबक सिखाएगा? मोहित दोनों का स्टेटमेंट ले लो और तगड़ी चार्जशीट फाइल करना, ताकि अदालत भी इन्हें अच्छे से सबक सिखा सके। मेघराज और विलास से जुड़े सभी लोग शॉक्ड रह गए इस डबल मर्डर के पीछे के राज को जानकर। विलास भोसले ने दरवाजा खोलकर एक ऐसे आदमी को अंदर आने दिया जिसके दिलो दिमाग में सिर्फ नफरत का लावा उमड़ रहा था, और सीधे साधे विलास को जरा सी भनक तक नहीं थी कि अगले चंद मिनटों में क्या होने वाला था। रही बात बिल्डिंग में आयोजित पूजा की और उस पूजा के मेहमानों की आड़ में कातिलों के बिल्डिंग में दाखिल होने और वहां से भाग निकलने की, तो ये महज एक इत्तफाक था। अविनाश ने लोगों को बिल्डिंग के अंदर जाते हुए देखा और उसी वक्त सोच लिया कि इसका फायदा उठाया जाए, और वाकई में इस वजह से पुलिस को उन तक पहुंचने में देर हुई। एक कुंठित नाराज कर्मचारी का गुस्सा आसानी से पकड़ में नहीं आता, लेकिन किसी के लिए दरवाजा खोलना या ना खोलना ये फैसला करना उतना भी मुश्किल नहीं है। अब मैं अनूप सोनी आपसे इजाजत लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें, और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख, हम सबको जय हिंद।